हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ये बोगनवेलिया का प्लांट है, और जैसे कि फरवरी का महीना चल रहा है तो अब बोगनवेलिया वैसे ही खूब फ्लावरिंग कर रहा था मेरे यहाँ, तो बट अब इसका सीज़न और आ गया है कि हम इसे तैयार करें। तो सबसे पहले करना ये है कि हमें इसकी जो एक्स्ट्रा जो है डंडियाँ उनको कट करना है, जैसे कि ये इनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और ये इस टाइप से आपको दिख रही है। तो अब जैसे ये जो इसका एरिया रहता है, यहाँ पर एक बार फ्लावरिंग हो जाती है, उसके बाद नहीं होती। और जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ से फ्लावरिंग हो रही है, मगर हमें अभी इस ये फ्लावरिंग नहीं चाहिए, तो अब हम इन्हें कट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी जो एक्स्ट्रा लंबी लंबी ब्रांचेज जा रही हैं, हम उन सभी को कट कर देंगे। बोगनवेलिया की एक बहुत अच्छी खास बात है, जब भी मैंने देखा है कि इसकी फ्लावरिंग होती है तो बहुत लंबे समय तक होती ही रहती है। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ आप आश्चर्य करेंगे कि ये फ्लावर जब से खिला हुआ है, जब दिवाली आई थी उसके पहले से ही खिला हुआ था, और अब भी ये थोड़ा मुरझा गया है, मगर तो भी इतना बुरा नहीं लग रहा है। मगर अब हम इसे नहीं रखेंगे, तो हम इस ब्रांच को ऐसे कट कर देंगे। प्रकार से हम बोगनवेलिया की जो सब पॉइंट जहाँ पे फ्लावरिंग हो चुकी है और एक्स्ट्रा ब्रांच जिस जो हमें लगती है, जैसे ये नई फ्लावरिंग हो रही है, बट हमें अभी इसे नहीं चाहिए क्योंकि हम इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह देंगे, तो हम इसको भी कट कर देंगे। अब देख रहे हैं इसको हम पूरा यहाँ से कट कर देंगे, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ऐसी हम डंडियों को भी इसमें से कट करते जाएंगे, ताकि ये अब हम अगली स्टेप जो हम इसमें करेंगे वो गुड़ाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें इतनी सारी वीड्स है, तो इस प्रकार से हम सब निकाल लेंगे और फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें गुड़ाई कर ली है। तो दोस्तों, अब हम बोगनवेलिया के लिए जो फर्टिलाइज़र बनाएंगे, उसमें हम लेंगे दो, ये आप टेबल स्पून देख सकते हैं, तो हमने दो टेबल स्पून के करीब ये सरसों की खली इसमें ली है, और हम एक टेबल स्पून इसमें एनपीके 19-19-19 लेंगे। आप चाहें तो 20-20-20 किसी किसी किस आते हैं, कोई भी सेम कंपाउंड का ले सकते हैं। एक टेबल स्पून इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट लेंगे, एक टेबल स्पून इसमें हम पोटैश लेंगे, और एक टेबल स्पून हम डीएपी का लेंगे। वैसे तो मैं इसमें बोन मील भी ऐड करती हूँ, बट मेरे पास बोन मील नहीं है, तो मैं डीएपी को ले रही हूँ। यदि आप बोन मील डालें तो डीएपी डालने की फिर इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, और हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना चाहते हैं, तो आप काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट कोई भी लें, तो उसको आप एक मुट्ठी के करीब काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट लें, उसमें एक टेबल स्पून ये सरसों की खली मिलाएं, और एक टेबल उसमें आप नीम की खली मिलाएं, और एक चम्मच आप बोन मील मिला के इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके भी अपने गमले में डाल सकते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं, ये मेरे 16 इंच के गमले के हिसाब से हैं। यदि आपके गमले की साइज इससे कम है, 10 इंच के बराबर या इससे कम है, तो आप उसके लिए आधा आधा टेबल स्पून और एक टेबल स्पून सरसों की खली लें। दोस्तों, गुड़ाई करने के बाद जो हमने ये हमारा एक दिन हमने पौधे को ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि मिट्टी हमारी थोड़ी सी हवा खा ले, और देखिए मिट्टी कितनी हमारी अच्छी है, एकदम से बरखरी मिट्टी है। तो हमने सारे वीड्स वगैरह हटा लिए हैं। अब हम जो हमारा मिक्सचर है उसको हम इसको लेकर इस प्रकार से मिक्स कर लिया हमने, और इस प्रकार से हम प्लांट की जड़ से थोड़ी दूरी पर इस तरीके से
हम इसको चारों तरफ एक सर्कल के जैसे हम इसको डाल देंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने सभी तरफ डाल लिया है और हम इसको थोड़ा ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि पानी डालने पर ये फैले नहीं। और अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पूरा अपना बोगनवेलिया का प्लांट को फ्लावरिंग के लिए तैयार करना है। कटिंग के बाद जैसे मैंने ये छोड़ दिया था हिस्सा, फ्लावर आ रहे थे, कुछ दिन बाद मैं इसको भी कट कर दूँगी। और कटिंग के बाद हमें यही खाद देना है ताकि पूरी समर में हमें बोगनवेलिया से अच्छे से फ्लावरिंग मिले। इसके बाद आपको इस पर कोई प्रकार का खाद मिक्स नहीं करना है। ओके फ्रेंड, बाय, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।